बत्ती जल गई पर बल नहीं निकले। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला रामपुर में, जहां सपा नेता और रामपुर के सांसद आजम खां का भोकाल था। आज भले ही वे अपनी विधायक पत्नी व बेटे के साथ सीतापुर जेल में बंद है, तो लेकिन अभी भी आजम खान के समधी रिजवान मोहम्मद खान और उनका बेटा न सिर्फ लॉकडाउन के नियमों की खुलेआम खिल्ली उड़ाते दिखे, बल्कि टोकने पर रामपुर पुलिस कप्तान से ही भिड़ गए। रोड पर चेकिंग कर रहे ऐसी रामपुर पर रोक डालने के लिए उनके बेटे ने तो अपने आप को अमेरिका पुलिस का बता डाला। हालांकि उनकी ये कड़ी पुलिस अधीक्षक के सामने बिल्कुल नहीं चली और उनके खिलाफ पुलिस ने कार्यवाही करते हुए लॉकडाउन के उल्लंघन का मामला दर्ज कर लिया। पुलिस अधीक्षक से उनकी तकरार का नजारा आपको दिखाते हैं। साहब, आप गेट पर ये जो लॉकडाउन फेज 5 है, जिसमें आज तमाम चीजों में ढील दी गई है, किंतु उसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वियरिंग, इन सब चीज़ों का भी पालन सबको करना है। इस उद्देश्य से आज चेकिंग चल रही थी। शाहबाद गेट पर दो बार ऐसा दृष्टांत हुआ। एक बार एक होंडा सिटी कार चालक बिना मास्क लगाए जा रहा था, उसे रोकने का प्रयास किया गया तो तेजी से दौड़ा के भागा, उसमें पुलिसकर्मी घायल भी हो सकते थे। बाद में उसे उसके नंबर से ट्रेस करके जब पुलिस ने पकड़ लिया तो उसके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है सिविल लाइन्स थाने में। इसी तरह से एक दूसरी इनोवा कार आई, जिसमें चालक और उसके बगल की सीट पे बैठे दोनों व्यक्ति मास्क नहीं पहने थे, पुलिसकर्मियों ने रोका तो उनसे उलझने लगे कि हमें सारी चीज़ों की जानकारी है और मास्क कहाँ, तो कहते हैं कि मास्क रखे हैं, लगा लेंगे। बाद में उन्होंने इस तरह की भी गलत सूचना दी उसमें से बगल बैठे वाले आदमी ने कि ये भी पुलिस ऑफिसर हैं। जब पूछा गया कहाँ के हैं तो बताया उन्होंने अमेरिका में, तो हुआ कि अमेरिका से आप आए कब, ये सारी जानकारी होने लगी तो उन्हें लगा कि झूठ बोलना जो है वो गलत हुआ, तो उनके खिलाफ़ भी अभियोग दर्ज किया गया है। क्योंकि इसमें सेल्फ डिसिप्लिन्ड होकर के ही लोग चलेंगे, तभी सिस्टम चल पाएगा, महामारी से भी हम लड़ पाएंगे और हमारी रोजमर्रा की लाइफ भी चल पाएगी। गिरफ्तार हुए हैं कि आजम खान के समधी हैं रिजवान? नहीं, देखिए मैं इस बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि हमारा काम क्राइम क्रिमिनल पे काम करना है, लॉ एंड ऑर्डर पे काम करना है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन पे काम करना है। आज बहुत बड़ी बात है कि कोविड-19 को लेकर के जो भी दिशा निर्देश गाइडलाइंस जारी हो रही है उनका पालन करना, कौन किसका रिश्तेदार है क्या है ये पता करना ना हमारा विषय है ना हमने।